खबरों में बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में आज से मंचलों और मजनू की खैर नहीं। दरअसल बीकानेर पुलिस ने लेडी पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की है और आज आईजी डॉक्टर बीएल मीणा और एसपी प्रदीप मीणा ने, प्रदीप मोहन शर्मा ने 12 लेडी कांस्टेबल्स के इस पेट्रोलिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके लिए अभय कमांड सेंटर में एक व्हाट्सएप नंबर 8464852595 जारी किया गया है और ये नंबर 24 घंटे चालू रहेगा। सूचना पर इस यूनिट की कांस्टेबल्स तुरंत पहुंच सकेंगी और निश्चित तौर पर इससे रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने भी पुलिस की इस पहल की तारीफ की है। वहीं आईजी ने कहा है कि इससे छेड़छाड़ की घटनाओं पर तो अंकुश लगेगा ही, साथ ही साथ महिला सुरक्षा भी और ज्यादा मजबूत होगी। कोमल है कमजोर नहीं, नारी ही शक्ति है। कुछ इसी संदेश के साथ लेडी पुलिस पेट्रोलिंग की जो ये पहल है बीकानेर पुलिस द्वारा की गई है, ये जांबाज जो है लेडी कांस्टेबल्स जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी और कह सकते हैं आज से मंचलों और मजनुओं की खैर नहीं होगी। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा और आईजी की ये पहल है। सबसे पहले हम एसपी प्रदीप मोहन शर्मा से बात करते हैं, क्या कहेंगे ये जो कोशिश है? दरअसल होता क्या है कि कुछ दिनों की रह जाती है तो ये लगातार चले और इसका असर आए, इसके लिए किस तरह की मॉनिटरिंग भी रहेगी? प्लीज़। ये बिल्कुल स्थायी रहेगी और हमेशा के लिए ये इनका सैंक्शन स्ट्रेंथ है। पुलिस मुख्यालय ने इनको बिल्कुल सैंक्शन करके दिया है और इसके लिए अलग से नफरी निर्धारित की गई है, तो हमेशा ये सजा चलेगी और अपनी ड्यूटी में हमेशा रहेगी। और इसके अलावा हमने यहाँ इनके जो ड्यूटी पॉइंट निर्धारित किए हैं उन ड्यूटी पॉइंट पर ये डेली नियमित रूप से कार्य करेगी। रेस्पॉन्स किस तरह से होगा, किस तरह से पूरा एक काम करेगा ये हम समझना चाहेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि अभय कमांड सेंटर में जो भी डिस्ट्रेस कॉल जाती है तो उसकी एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है और बनके वो चेतक जो हमारी होती है उनको वो डिस्पेस करते हैं। ये चेतक के अलावा जो महिलाओं से छेड़छाड़ की, बच्चियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हैं उनकी इंसिडेंट रिपोर्ट जाएगी, तो ये लोग भी तुरंत पहुंचेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अगर मेल पुलिसकर्मी हैं हो सकता है वो इतने सेंसिटिव नहीं हों या जो बच्चियां हैं उनको वो बात बता नहीं पाएं, ये तुरंत पहुंच के और कार्रवाई करेंगे। तो आप ये श्योर रह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स की क्वालिटी होगी और जो रिस्पॉन्स टाइम होगा उसके अंदर दोनों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा और कार्रवाई होगी वो ज़्यादा प्रभावी होगी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमने इनको कहा है कि ये छेड़छाड़ की घटनाएं जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आसपास होती हैं तो उनके रोकथाम के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है वो ज़रूर इंश्योर करें। अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि छेड़छाड़ की घटना बिल्कुल नहीं। ठीक कह रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों पर जिम्मेदारी होती है। आप किस तरह देख रहे हैं पुलिस की इस पहल की और क्या मॉनिटरिंग आपके लेवल पर किस तरह की होगी? एक बहुत अच्छी पहल है, मैं मानता हूँ इसके बड़े सकारात्मक परिणाम रहेंगे और महिलाओं और बच्चियों से जो छेड़छाड़ की घटनाएँ जो कॉलेज में या पान की दुकानों या इस तरह की कई बार शिकायतें आती है तो वो डेफिनेटली इससे कम होगी क्योंकि ये डेडिकेटेडली इसी कार्य के लिए और क्विक रेस्पॉन्स के रूप में काम करेंगे। मौका मिला है एसपी सर और आईजी सर की तरफ से तो हम अपनी तरफ से पूर्ण ये कोशिश करेंगे कि हम महिला जो कॉलेजेस बस स्टैंड वगैरह है तो वहाँ हम ये जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं उनको अपनी तरफ से रोकने की पूर्ण कोशिश करें। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो कुल मिलाकर एक उम्मीद है और एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है, लेडीज जो है वो ब्लू में नजर आएंगी। उम्मीद करें पुलिस की इस पहल से वाकई असर हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। और इस बीच